Hey everyone, welcome back to today's video. आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीस कैसे कमा लिए, वो भी कॉलेज में। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे कि मैं हूं कौन, क्योंकि सबसे पहले ये मेरी पहली वीडियो है तो आपको पता नहीं होगा मैं हूं कौन। तो मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रील्स बनाता हूँ, इंफोटेनमेंट वाली, डांस वाली नहीं, क्योंकि डांस करना मुझे आता नहीं और मुझे पसंद भी नहीं। तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अगर देखा हो तो सही है, अगर नहीं देखा हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी है kunalsingh.18, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है कुणाल, मेरी एज है 19 और मैं वीडियोस बनाता हूँ और मैं प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ कंपनीज और ब्रांड इंडिविजुअल्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने अपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज कैसे कमाए। आज की डेट में अर्निंग के सोर्सेस कम नहीं है, आप चाहे बात करें फ्रीलांसिंग की या फिर जॉब की या इंटर्नशिप्स की या फिर आज की डेट में तो आपका ये सोर्सेस खत्म ही नहीं होने वाले। तो फर्स्ट 1 लाख रुपीस मैंने कमाए हैं थ्रू फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, माय इंस्टाग्राम प्राइज मनी। इंस्टाग्राम पे बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का कॉन्टेस्ट है जहां पे इंस्टाग्राम टॉप क्रिएटर्स को प्राइज मनी देता है जो रेगुलरली रील्स डाल रहे हैं, उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी वगैरह अच्छी रील्स डाल रहे हैं वो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि इंफोटेनमेंट वाले ही थे सारे क्रिएटर्स, थे तो बहुत सारे, कुछ कुकिंग वाले, कुछ डांसिंग वाले और कुछ अलग अलग जिन लोगों की भी स्किल्स होती है। लेकिन मेरे बारे में बात करें, मेरी रैंक आई थी उसमें 7 टॉप 3 क्रिएटर्स को मिले थे 1 लाख रुपीज और उसके बाद वालों 10 को मिले थे 50,000 रुपीज। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, 50,000 रुपीज मिलने तो थे लेकिन उसमें 31.2% टैक्स कट गया, 31.2% टैक्स भरना पड़ा हमें नहीं, उन्होंने पहले से डिडक्ट करके भेजे थे। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये 50,000 की रेंज में कैसे आ गए, इसके तो कुछ ऐसे फॉलोअर्स भी नहीं है हाई रेंज में। लेकिन मैं बता दूं, जब ये मुझे प्राइज मनी मिला था तो अराउंड वो नवंबर का टाइम था, मेरे 7K फॉलोअर्स थे, 7K से भी शायद कम ही थे, लेकिन मेरी क्वालिटी और कंटेंट टाइप और वैल्यू जो मैं प्रोवाइड कर रहा था शायद इंस्टाग्राम वालों को वो पसंद आई, क्योंकि मैंने देखा था जो मेरे से जिनके इतने ज्यादा ज्यादा फॉलोअर्स थे उनकी भी रैंक मेरे से नीचे थी, तो फॉलोअर्स का तो कोई मैटर था ही नहीं, बात थी तो सारी कंटेंट की। और एंगेजमेंट में भी कुछ ऐसी खास एंगेजमेंट नहीं आ रही थी, 100-150 लाइक आते थे मैक्सिमम, कुछ कुछ रील्स वायरल हुई थी लेकिन अराउंड 100-150 लाइक्स हमारे आते थे। तो मैंने एक और अपना अकाउंट बना दिया कुणाल मेक रील्स का, उस पर आज की डेट में थोड़ी फनी वीडियोस डालने का ट्राई करते हैं हम, अगर हमें टाइम मिल जाता है। लेकिन मेजर मेरा फोकस kunalsingh.18 पे ही है, इंफोटेनमेंट कंटेंट, डेली कंटेंट आना ही चाहिए उस पर रील रात के 9 बजे, जिससे लोगों को हम वैल्यू प्रोवाइड कर सके। तो कंटेंट बनाना इंस्टाग्राम पे, उसके बाद यूट्यूब पे आज मैंने स्टार्ट किया है, जिससे मैं लोगों को बता सकूं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंस्टाग्राम पे और आप कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन थ्रू फ्रीलांसिंग एंड अदर स्टफ। तो बहुत ज्यादा बात कर ली हमने अपने फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, तो हम अब अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है अमेजॉन अफिलिएट से अराउंड 5K की अर्निंग हुई। मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे आप कुछ देखेंगे लिंक्स वगैरह होती हैं, लाइव स्ट्रीम के नीचे आप पिछली लाइव स्ट्रीम्स के नीचे देखेंगे तो कुछ लिंक्स वगैरह होती हैं, उससे थोड़ा अफिलिएट वगैरह की अर्निंग होती है। तो अराउंड 5K की अर्निंग हुई थी मैं टोटल। ये जो भी मैं आपको अर्निंग बता रहा हूँ ये मैंने 9 मंथ्स में करी है, मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक, अराउंड 10 मंथ्स हो गए लेकिन मैं 9 मंथ्स ही मान के चल रहा हूँ क्योंकि मार्च के एंड में करी थी। तो हमारी हो गई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अमेजॉन अफिलिएट। जिन लोगों को नहीं पता है अफिलिएट क्या होता है, आपको कुछ सामान लेना है अमेजोन से, ठीक है, आप देखते होंगे यूट्यूबर्स को वो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वगैरह बनाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी लिंक से ले सकते हैं। अब आप ले तो लेते हैं उनकी लिंक से, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है कि आपको उनकी लिंक से क्लिक कर दोगे तो 100-150 या 500 हजार रुपए ऐसे फालतू लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस उस क्रिएटर को थोड़ा सा परसेंटेज जो भी होता है 2%, 3% अलग अलग प्रोडक्ट्स पे वेरी करता है, वो परसेंटेज मिल जाता है अगर आप उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं उनकी लिंक से, बस ये है अफिलिएट। और इसके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं अमेजॉन अफिलिएट और अलग अलग कंपनीज के, लेकिन ये जो मेरी 5K की अर्निंग हुई ये हुई है अमेजॉन अफिलिएट से। और हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है जहां पे हम डील्स वगैरह पोस्ट करते हैं तो वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, तो उसका चंक और यूट्यूब का चंक दोनों मिला के 5K की अर्निंग हुई थी फर्स्ट 1 लाख। तो हमारे हो गए अभी टोटल मिला के 34.4K प्लस 5K 39.4K हमारे हो चुके हैं। मैंने थर्ड वे ऑफ अर्निंग जो हमारे पैसे कमे वो थे 1K। तो मैंने 2 स्पॉन्सरशिप करी थी, 2 स्पॉन्सरशिप मतलब 2 ऐड करे थे इंस्टाग्राम पे 2 कंपनीज के लिए, जब मेरे अराउंड 1500 के अराउंड फॉलोअर्स थे तो उन्होंने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए, तो अराउंड 1K। उसके बाद हमने ऐड करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा लोग जिसके फॉलो कर रहे हैं
पहले उनका वो मोटिव फुलफिल होना चाहिए, पैसे तो बाद में भी कम जाएंगे, पैसे की कोई बात नहीं। तो उससे अराउंड 1K की अर्निंग हुई दो स्पॉन्सरशिप से। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फोर सोर्स ऑफ इनकम। तो अभी तक टोटल मिला के 40.4K की अर्निंग हमारी हो गई है 1 लाख में से। उसके बाद मैं बताता हूँ हमारी 1K एक और एक्स्ट्रा अर्निंग हुई। हमारा एक बिजनेस है क्यूरेटेड बाय कुणाल, जहाँ पे हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज और इन सब में हेल्प करते हैं लोगों को, बिजनेसेस को, जिससे वो ग्रो कर सके अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो ऐसे ही हमारे वहां से दो ऑर्डर आए थे, दो कंपनीज को लोगो बनवाना था, तो हमने उसके अराउंड चार्ज किए थे 1000 रुपीज फॉर टू लोगोस। आई नो की कम है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं देखना होता है, केवल आपको सर्विस प्रोवाइड करनी होती है जिससे आपका थोड़ा मार्केट में नाम सही बने और लोग आप पे भरोसा करना स्टार्ट करें, और फिर रेफरल का तो आपको पता ही होगा, फिर एक वर्ड ऑफ माउथ से बात फैलने लगती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, अभी तक हमारे 41.4K की इनकम हो चुकी है। अब हमारा फिफ्थ सोर्स ऑफ इनकम, मैं आपको इससे कुछ अर्निंग नहीं हुई है लेकिन थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैंने थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग करने की कोशिश करी, उससे 2K लॉस हो गया, लेकिन मैंने स्पॉट ट्रेडिंग से अराउंड 2K का प्रॉफिट कर लिया था, तो अराउंड नेट जीरो हो गया। क्रिप्टो ट्रेडिंग अगर आपको नहीं पता है तो होती है एक टर्म, अभी उससे मैं आउट हो गया हूँ क्योंकि उसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन हम उसे फ्यूचर में देखेंगे कि उससे कैसे अर्निंग हो सकती है, अभी हमारा फोकस और चीजों पे है। तो हमारे 5 सोर्सेस ऑफ इनकम मिला के अराउंड 41.4K की अर्निंग हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, और इसके बाद हम बात करें हमारी 9 मंथ्स की अर्निंग, 9 मंथ्स के अराउंड। इसके बाद जो भी पार्ट बचा है 41.4K के अलावा, वो सारी अर्निंग मेरी हुई है फ्रीलांसिंग से, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सर्विसेज जो मैंने बताया। अब मैंने उसे अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, क्यूरेटेड बाय कुणाल उसका नाम रख दिया, लेकिन उससे पहले मैं अकेला ही करता था, लेकिन अभी भी अकेला ही करता हूं, लेकिन हमारी एक टाइप से एक बिजनेस का नाम आ चुका है। लेकिन उससे पहले अभी तक हमने जो भी अर्निंग करी फ्रीलांसिंग, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की लोगों को, तो उससे हमारी अर्निंग हुई अराउंड, जो भी पार्ट बचा आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो अराउंड इससे टोटल मिला मिलू के अराउंड 1 लाख रुपीज हमने अर्न कर लिया अपने फर्स्ट 9 मंथ्स में। मैंने आपको बता दिया उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, केवल मैंने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में स्टार्ट कर दिया और टोटल मिला के ऐसे मेरे इतने थोड़े से पैसे बन गए 1 लाख रुपीज। आज की डेट में टाइम बहुत बदल चुका है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे कि आज की डेट में मेरी क्या कंडीशन है, क्या अर्निंग के सोर्सेस हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। अब बात ये नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, या फिर आप स्कूल में हैं, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, बात है आप में जज्बा होना चाहिए और करने की चाह होनी चाहिए। ये थोड़ा मोटिवेशन टाइप में जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं भी और बच्चों की तरह बैठ जाता, टाइम वेस्ट कर लेता मूवीज वगैरह देखने में, तो शायद मैं अपनी स्किल्स भी डेवलप नहीं कर पाता और ये अर्निंग तो दूर की बात है। तो इंस्टाग्राम पे तो हम अपनी रील्स डालते रहेंगे, अगर आपको देखनी हो तो आप kunalsingh.18 पे जाके देख सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी, अराउंड वहां पे हमारे 41,000 फॉलोअर्स हैं जो लोग हमें देख रहे हैं। तो कॉन्क्लूजन पे आ जाते हैं, इसका कॉन्क्लूजन यही है कि आप भी क्या कमा सकते हैं 1 लाख रुपीज। जी हाँ, 1 लाख तो कुछ भी बड़ी अमाउंट नहीं है, एक बार आपके पास स्किल्स हैं तो 1 लाख क्या आप 10 लाख भी कमा लोगे, 10 करोड़ भी कमा लोगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा उस मनी वाला। और मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा, ये जो मैंने 1 लाख रुपीज कमाया, ऐसा नहीं है मैं कहीं से भी उठ गया और 1 लाख रुपीज कमाने शुरू कर दिए, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था उससे भी पहले, मैंने 2020 में भी थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग करी थी कुछ यूट्यूब चैनल्स के लिए, तो वहां से भी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे कैसे ये सब चीजें काम करती है। तो आज की डेट में बात करेंगे तो आप ऐसे सोचोगे कि आज से ही पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, अर्निंग पर नहीं। एक बार आपने लर्निंग कर ली तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, सर्विस प्रोवाइड कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, कम्युनिटी बिल्ड कीजिए, उसके बाद आपकी अर्निंग होना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं सबको यही बताना चाहूंगा, अगर आप अर्निंग करने की सोच रहे हैं, अर्निंग तो पॉसिबल है, लेकिन सबसे पहले आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें, इसका टोटल कंक्लूजन यही है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, कि जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप अपने वेज डेवलप कर सकते हैं कि आप कैसे कमा सकते हैं 1 लाख, लेकिन आपको बस जज्बा और चाह, ये दो चीजें होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी मोटिवेट हो मनी अर्निंग के लिए। आप जरूर से सब्सक्राइब करें, जहां पे हम आपको ऐसी और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस, स्किल्स और इन सब के बारे में बताते रहेंगे, और आप अर्निंग सोर्सेस अपने कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में बात करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।